नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और आज हम पहुंचे हैं उड़िया कॉलोनी गाजीपुर रोड। और आपको बता दें, एक बड़ी समस्या आप सामने देख सकते हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, जो सामने आपको लोग नजर आ रहे हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं और ये बड़े परेशान हैं। क्या है इनकी समस्या वो जानेंगे इन्हीं लोगों से। ये देख सकते हैं, पहले आपको दिखा दें ये हाल, ये जो आप सीवर देख रहे हैं, ये गटर का सारा पानी ये निकल कर बाहर आ रहा है इस ठंड में। और ये देखें, ये जो घर है और ये जो दुकान है, इन्हें यहाँ से निकलना भी दुश्वार है, ये यहाँ से निकल भी नहीं सकते। और क्या है सारी समस्या इनसे जाने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर देव है जी। क्या समस्या हो रही है? और मैंने जो है इस गटर से बहुत समस्या है, बहुत परेशानी है निकलने बढ़ने के लिए, सबके लिए जो दिक्कत है। और यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आ रहा है मेरा, और ये सभी को परेशानी है, वहाँ तक बह करके जा रहा है। ये नया ट्यूबवेल लगाया, 6 महीने में तो ट्यूबवेल लगाया, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे आए थे जय साहब और भी कार्यकर्ता आए थे उनके साथ में, और उन्होंने ये कहा था कि हम जो ये गटर करवा देंगे। हमने ये भी कह दिया उनसे कि जी हम पैसे दे देंगे, इसमें जो भी सामान आएगा वो सामान भी दे देंगे। और उसके बाद में ये ट्यूबवेल लगवाया है तो इसमें 5,000 रुपये दिए हमने चैम्बर के लिए, वो भी हमने अपने पैसे दिए हैं, लेकिन तब इन्होंने जो 1200 रुपये में कुल काम करा है कुल लिए। अच्छा, और यहाँ से लाइट भी चुरा के ले गए हैं, यहाँ के बंदे बोल रहे हैं, एक लाइट भी छत पे रखी हुई थी वो भी लाइट चुरा के ले गए हैं यहाँ से, और इसको करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमने वीडियो बना करके भी दे दी जय साहब को, मोहम्मद खालिद जी को, और उसके बाद में वहाँ पे भी जाके बोल दिया, फोन से भी बात कर ली, हमने हर तरीके से बोल लिया, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है, इसको कोई तैयार नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि ये दुकान है इनकी, बुजुर्ग आदमी है, हम यहाँ खाना नहीं खा सकते, हम यहाँ खाना नहीं खा सकते, हम यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ पे लोग बाग गिरते हैं इस कीचड़ में, बड़ी परेशानी हो रही है, बहुत ही ज्यादा दुखद समाचार है। कीचड़ एक अलग चीज होती है बाबूजी, गटर का पानी है। हाँ जी, गटर का पानी है और यहाँ सभी के गटर मिले हुए हैं, ये मेरा ही अकेले का नहीं है, लेकिन बहुत कह लिया, बहुत जय साहब से बोलिया, हरसाना साहब भी मिले थे हमें जय साहब के ऑफिस में, उनसे भी हमने बात करी, लेकिन कोई समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं हो रहा अभी तक। और देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और ये पीछे आप देख रहे हैं, हमारे पीछे मंदिर है और आप समझ रहे हैं मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने के ये हालात हैं। जी, क्या नाम है? पूजा सतपति। क्या कहेंगे ये जो इतनी समस्या हो रही है? भैया बताओ, आप बताओ क्या है? परेशानी तो है या लेटरिन का पानी कैसे लेकर रहा है, मंदिर माने में भी परेशानी है और लिकन में भी परेशानी, बताओ आप कैसे समस्या तो दूर होनी चाहिए, नहीं तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, बताओ पर पूरा बताओ। ये मंदिर है, हम दीवारी हो रही कैसे बनाए है, सारा मंदिर का मजा, लेटरिन का पानी जा रहा, पुलिया बंद परी, गटर बंद परो है, सारा पानी लेटरिन का अंदर जा रहा, सब गिर गिर पड़ रही थी, 10 बार कम्प्लेन कर देने गई, सुनाई नहीं कुछ हो रही है, पैसा देने भी तैयार हो गए तब भी नहीं सुनाई कर रहा है कुछ भी, ऐसे थोड़ा होता है। मोदी जी कह रहे हैं कि 22 तारीख को दिवाली मनेगी पूरे देश में, तो मोदी जी का दिखाए ना ही थे, मोदी जी आए ना ही थे, मोदी जी तो जो करता है यहाँ के, वो कोई तो आए कम से कम ही थे, तो दुनिया खड़ी हो जाके माओ की बहन हो, अब कोई ना आ रहा यहाँ देखने को, इतना गंद पड़ा, पैर छुएंगे और गंद देखने कोई ना आ रहा है, घरन में जा रहा, मंदिर में जा रहा, दुनिया पब्लिक कर रही है यहाँ पर है गंदे में, इसे तो हमारा है के ना जय साहब देखे, ना कोई पब्लिक देखे, कोई ना देखे, ना नगर निगम बारे देखे, गटर का पानी मंदिर के अंदर लौट लौट के जा रहा, सारा पैरों के जरिए, इतने दुखी हद से ज्यादा, ना मंदिर में पूजा हो रही ना कहीं, देख सकते हैं ये कैसे इसमें से आती है। बात करेंगे आंटी, एक मिनट, आप मंदिर में पूजा करने आए हो लेकिन ये सामने गटर का पानी है, इसमें से निकल के आते हो, क्या कहोगे? अब क्या कहें, नगर निगम वाले ही तो सफाई करेंगे, हम क्या करें, इसमें पब्लिक क्या, अब नहीं सुनते हैं तो हम क्या करें, बड़े बड़े नेता खाली भाषण देते हैं, हमारा वोट दो, ये करो वो करो, अब कुछ कॉलोनी के लिए करते हैं निकास, फिर गायब हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं जीतने के बाद, पहचानते नहीं है आपको, कोई नहीं, जाओ तो कहते हैं कि अभी है नहीं, मिलने के है नहीं अभी टाइम, लेकिन आप नहा धो के यहाँ पूजा करने आते हो इस गटर के पानी में, के नाम लेने आए तब भगवान ही तो करेंगे सब, नरक से आए चाहे सही सही से आए, मतलब इतने निकम्मे अफसर हैं ये जो नगर निगम वाले, इनको इतनी शर्म नहीं है कि सामने मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने के ये हालात हैं, इस तरह से सीवर का पानी है वो मंदिर के, नगर निगम बारे पर मंदिर के लिए कछु ना बाजार, बाद जैसे अब आए नाली दिखाई, पुलिया दिखाई, गटर दिखाया, कह रहे आ रहे हैं हम करवा देंगे, तुम सामान इकट्ठो करके रखो, पैसे हम ले दे दियो, पैसों का भी कह दे, सामान की भी बोल दे, उनसे फिर भी नहीं सुन रहे,
फिर भी नहीं करके दे रहे, बताओ फिर क्या करा जाए। आप समझ सकते हैं कि नगर निगम वालों को पब्लिक पैसे खुद दे रही है, पैसे देने के लिए करती है ना। मंदिर में देखो कैसा पानी भर रहा है, पूजा करने तो आएंगे, मंदिर बनाओ तो पूजा। वैसे तो मोदी नौकर है, सब मंदिर खोल दे, सब दरबार खोल दे। ये दरबार देखो, ये दरबार देखे हैं आप, ये दरबार खुले हुए हैं ऐसे, ये मंदिर के ठीक सामने पूरी नालियां जो ऊपर तक भरी हुई हैं, जाम है। सब मंदिर न खोलो, ये मंदिर हमारा बंद पड़ा है यहाँ पर देखो, नरक के मारे, नरक के मारे। और कैसे मनेगी दिवाली भाई, कैसे दिवाली मनेगी, कैसे मनाए दिवाली? दिवाली भी तो शुद्ध में ही मनाई जाए कि नरक में मनाई जाए? ये गटर के डिंग दी बुला धरेंगे। क्या नाम बाबूजी आपका? राम निवास जी। क्या कहेंगे पब्लिक परेशान है पब्लिक, हम भी गए थे इसके साथ जेई के पास, जेई लगी भेज देंगे, मेरे पास मजदूर थोड़े हैं, चार मजदूर हैं, बेलदार चार और हमने कितनी बार सोल्यूशन बताया जी के पतली गली से मिला दो, वो लोग हम कैसे करवाएं? हम तो ये कहते हैं हमारी ये पतली गली से मिला दो, सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन ना तो इसे करवाने के लिए तैयार है, ना उसे करवाने के लिए तैयार है, या नरक में जीने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं, नरक में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि परेशान है लोग और इतनी समस्या हो रही है। ये देखें, ये जो यहाँ सीवरेज का जो ढक्कन है, यहाँ से जो लीकेज हो रही है, और ये पूरा गटर का पानी, ये देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ से पैदल तो निकलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है, जो घर है इसके ठीक सामने ये पूरा पानी भरा हुआ है, दुकान है, और ये बुजुर्ग आदमी है, गरीब अपना कैसे घर परिवार चलाता है, लेकिन ऐसे में ना कोई इनकी दुकान पर आता है, और इन्हें भी बड़ी दिक्कत होती है, सुबह से शाम तक बैठते हैं तो इस बदबू में कैसे बैठते हैं ये यही जानते हैं, और परेशान है, लेकिन उसके बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। जो नगर निगम के जो भी अधिकारी अफसर आते हैं, उन्हें ये कह रहे हैं कि पैसे दे के भी काम कर दो, उसके बाद भी वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, और ये चाहते हैं प्रशासन से, यही अपील है इनकी कि किसी तरह से इसका समाधान किया जाए, ताकि हम लोग जो यहाँ हैं चैन सुकून से रह सकें, और जो 22 जनवरी को जो दिवाली मनेगी वो कम से कम मन सके। देख सकते हैं ये जो आप देखें श्री राम का कीर्तन है। तो अब आप ये बताएं कि जिस तरह से पूरे देश में बड़ी धूमधाम से जो मोदी जी कह रहे हैं कि दिवाली मनाएंगे 22 तारीख को, तो ये लोग कैसे करें, क्योंकि मंदिर भी सामने है और 22 तारीख को कीर्तन भंडारा है, तो अब यही मंदिर में ये बताओ कैसे करेंगे, लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, सब कुछ है इसमें। अब आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने 22 तारीख में आपको सफाई चाहिए, सफाई होने, हाँ बस देखो 22 तारीख को प्रोग्राम है, किस तारीख से काम होगा, इसलिए किस तारीख तक सब साफ हो जाएगा, सही इतना कर दो किसी तरह से 22 तारीख तक सफाई हो जाए। जी क्या कहेंगे भाई साहब? देखो परेशानी तो सबके लिए है, कई बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं नगर निगम में जाके, सभी कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर कई बार गए भी है। 2 घंटा का भी काम बोले बिल्कुल, 2 घंटा का भी काम नहीं है, नहीं तो 2-4 महीने हो गए तब से 6 महीने करते करते कदे किसी के पास है, कदे किसी के पास है, कोई सुनाई नहीं कर रहा। फरीदाबाद उड़िया कॉलोनी है, गाजीपुर रोड पर नवोदय स्कूल है, नवोदय स्कूल के पास उड़िया कॉलोनी है। इस उड़िया कॉलोनी में यहाँ ये मंदिर है, शिव मंदिर के पास के ये हालात है, तो प्रशासन से भी गुजारिश रहेगी कि वो किसी तरह यहाँ 22 तारीख से पहले इसको साफ कर दें, ताकि ये यहाँ श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कर सकें और धूमधाम से दिवाली मना सकें। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।